कैसे हो सब लोग। चलो बॉयज़, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये CS:GO के टैक्टिक समझने के लिए, और उसे मतलब गेम को कैसे जल्दी से जल्दी अच्छे लेवल तक जाया जाए वो सीखने के लिए। तो ये वीडियो प्लीज़ दे पूरा देखना, क्योंकि बहुत कुछ इसमें सीखने मिलने वाला है। और सेकंड चीज़, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ क्रॉस हेयर से, तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे क्रॉस हेयर कैसे चेंज करें। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, ये देखो डिफ़ॉल्ट स्टैटिक कर दिया है मैंने, ये CS:GO का डिफ़ॉल्ट क्रॉसर है। वर्कशॉप मैप में जाना है अपने को, और अपने को लेने का है क्रैश क्रॉसर, जो मैप है क्रैश क्रॉसर। एक सेकेंड, ये रहा क्रैश क्रॉसर मैप, अपन ने क्रैश क्रॉसर लिया, गो कर दिया है। अभी मैप लोड हो रहा है। बेसिकली वीडियो में मैं पूरा मेरे टैक्टिक्स जो इस तरह हिसाब से मैं CS:GO को समझता हूँ इतने साल से खेल के, वैसे बनाए हुए। तो एक बार इसको पूरा ज़रूर देखना, और अपने जो भी सोच है जैसा भी आपको लगता है नीचे कमेंट डाउन ज़रूर करना। ये एकदम प्रोफेशनल लेवल नहीं है, लेकिन हाँ, एक जो बंदा सीखना चाहता है स्टार्टिंग से CS:GO, उसके लिए ये बेसिक गाइड है जो बहुत मदद करेगा। और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप चीज़ें इसमें बताई गई है, थोड़े कट कॉपी भी किए क्योंकि मुझसे भी थोड़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन सॉरी, माफ़ कर देना उसे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये सारे बंदों के क्रॉस हेयर हैं, ये सारी टीम्स के और ये सारे प्लेयर्स के। तो आप इसमें से अपना कोई भी फेवरेट प्लेयर का ले सकते हैं, जैसे मैं फर का पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा कस्टमाइज़ करता हूँ, ये कस्टमाइजेशन हार्ड है। अब मुझे थोड़ा साइज़ में प्रॉब्लम है, बड़ा छोटा, तो यहाँ पर बड़ा छोटा आप कर सकते हो। थिकनेस मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहती है, तो ये मेरा क्रॉसर साइज 4 है। और यहाँ पे आप शेयर, रीस्टोर, डिफॉल्ट सब कर सकते हैं क्रॉसर। तो बेसिकली यहाँ पे 12 का क्रॉसर टेस्ट कर सकते हैं अपना। तो ये बेसिकली क्रॉसर टेस्टिंग हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन कोर्स में, जिसमें अपन अभी सीखने वाले हैं। तो बेसिकली वर्कशॉप मैप में एक मैप है एम बॉट्स नाम का, उसे आपको लोड करना है। और जब तक ये मैप लोड हो रहा है, मैं आपको कितने लोग मेरे चैट में आके पूछते हैं करके कि भैया ये कौन सा गेम है, कितने लोग को नहीं मालूम है, कितने अलग अलग गेम वाले भी आजकल आने लगे। तो मैं इस गेम के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। काउंटर टेररिस्ट रहती है, और बॉम्ब प्लांट और डिफ्यूज़ करना होता है। टेररिस्ट प्लांट करती है, काउंटर टेररिस्ट डिफ्यूज़ करती है, और उसके बीच में वो जो स्मोक्स, मोलोटोव, ये सब है, ये सब यूज़ करके स्ट्रैटेजी बना के करना होता है। तो ये मैप स्पेशली क्या है, ये मैप आपका एम इम्प्रूव करवाता है। इसमें सिर्फ हेडशॉट मारना है आपको, ये देख रहे हो आप। यहाँ पे सारे गन्स हैं, जो गन्स आपको प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज डेली आधा घंटा आओ और इसमें सिर्फ हेड शॉट्स मारो, सिर्फ हेड शॉट्स मारो, ट्राई करो और हेड शॉट्स मारना। ये एम बॉट्स मैप है, जो अगर डेली अपने नॉर्मल शेड्यूल से आधा घंटा आके अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपका एम बहुत अच्छा हो जाएगा। अब एम अच्छा होना है तो रिफ्लेक्स होना भी ज़रूरी है। उसके लिए कम्युनिटी सर्वर्स खोलिए, डेथ मैच डालो और डेथ मैच खेलो। मैं कम्युनिटी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 128 टेक होगा, जो आपको लैन टूर्नामेंट ये सब में बहुत मदद करेगा, और उसका रजिस्ट्री रेट ज़्यादा होता है। जैसे लॉर्ड के सर्वर्स है, डीकोड के बहुत सारे सर्वर्स हैं डेथ मैच खेलने के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं और डेथ मैच खेल सकते हैं। उसमें आपको टेररिस्ट, काउंटर टेररिस्ट कुछ नहीं होता, आपको जो दिख रहा है उसे मारना होता है, तो टाइम वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होता बंदे ढूंढने में या कुछ। तो अभी अपन मिराज मैप लेते हैं। तो आज ये वीडियो में मैं मिराज मैप का गाइड बताता हूँ, मैं आपको पीकिंग एंगल्स बताता हूँ, स्मोक्स बताता हूँ, जो बेसिक स्मोक्स है। अभी फैंसी स्मोक्स अपन नहीं करेंगे, अपन को बेसिक स्मोक सीखना ज़रूरी है, जिससे साइट अंडर ली जा सकती है। तो जैसे अभी समझो मैं CT बनता हूँ, टी बनता हूँ, तो ये देखो अभी मैं एक रिस्टार्ट दे देता हूँ मैं।
अभी जैसे देखो, पहले अभी टी बे से सबसे इजी चीज़ है मिड स्मोक। ये मिड ऑपर से बचने के लिए यहाँ एंटीना के एंड में एम करो और मिड स्मोक डाल दो। ये सबसे इजी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जो मिड स्मोक करने में मदद कर देती है। जंगल क्लियर, ये क्लियर, ये दो चीज़ को कवर करती है। यहाँ पे ऑपर आता है कभी और यहाँ पे ऑपर आता है। तो ये बेसिक है, सबसे बेसिक स्मोक है। तो पहले अपन ए साइड कवर करते हैं, ए साइड कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर कि ये ए साइड पे जाने के लिए टी वाले ए सेटअप बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आके अगर आप ये स्टेयर स्मोक है, यहाँ आओ, खड़े रहो, सिर्फ यहाँ देखो गैप में और डाल दो। ये सी टी स्मोक है, यहाँ आओ, मिडल पाथ देखो, ये एच पकड़ो और डाल दो। ये दो स्मोक एक साथ दिखाता हूँ मैं, देखो ये सी टी स्मोक हो गया, स्टेयर स्मोक हो गया। अब ये दो स्मोक के साथ एक और स्मोक है जो करना ज़रूरी है, मतलब ये तीन स्मोक अगर तुम करते हो तो तुम्हारा ये साइड है जंगल स्मोक। यहाँ आए, खड़े हुए, डाल दिया स्मोक, जंगल स्मोक हो गया। अब ये जैसे देखो, ये तीन स्मोक, अब देखो ये तीन स्मोक, एक मिनट, ये गलत स्मोक हो गए, ये एक जंगल स्मोक, ये तीन स्मोक का। तो साइट कैप्चर करना आपको सिर्फ यहाँ देखना है, और यहाँ पे आते आते आप मॉली डाल सकते हो अंदर। तो देखो अंदर कैसे मॉली डाल दिया है, तो नीचे वाला अपने आप बाहर आएगा, और बाकी ऊपर से फ्लैशेस डालते हुए आपको निकलना है। ये हो गया ए मैन से रश करते। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब तीन लोग ये स्मोक और ये एयर स्मोक और जंगल स्मोक बना रहे हो, तो एक बंदा पीछे और पैलेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, वो देखते रहो, और एक बंदा जो हो पांच में से वो इधर भी देखते रहे। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, अगर आप स्मोक लेके खड़े रहते हो और कोई बंदा पुश कर देता है आपको मार देता, या आप इधर स्मोक लेके खड़े रहते हो कोई नहीं देख रहा होता, पीछे से एक बंदा आता दो तीन लोग को मार देता। तो ये तो ठीक है, ये तो एमएन का हो गया। मैं आपको अभी पैलेस का दिखाता हूँ। ये है पैलेस का स्मोक, पैलेस का फ्लैश है। अभी देखो यहाँ पे आओ, पहले थोड़ी देर होल्ड करो क्योंकि पुशेज आते हैं कभी कभी। फिर जैसे से पूछ, अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा है, तो एक अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ऊपर कोई नहीं है, किसी ने आपको इन्फो नहीं दिया, तो आप ये कर सकते हो, ऐसा फ्लैश डालोगे, फ्लैश यहाँ फटेगा, ये ब्लाइंड हो जाएगा, और जो नीचे से देख रहा होगा वो भी ब्लाइंड हो जाएगा। अब यही सेम चीज़ अब मॉली और नेड दोनों के साथ कर सकते हो। भागते हुए आओगे, मॉली डाल दोगे, जो इधर खड़ा रहेगा मॉली हो जाएगा, और स्मोक भी कर सकते हो। तो यूजुअली कितनी बार मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ ऐसे, यहाँ पे फ्लैश डालता हूँ, कोई नहीं रहता, यहाँ पे ऐसे स्मोक डालता हूँ, और दो मिनट रुकता हूँ कि गोलियाँ पास हो जाए, फिर स्मोक वॉक करता हूँ और यहाँ आता हूँ, और स्टेयर वाले को लेने की कोशिश करता हूँ जो ऑपर रहता है, जो यहाँ देख रहा होता है या कुछ भी देख रहा होता है। तो ये सब तो हो गए सी टी साइड के, मतलब ए साइड के लिए सारे। अब मैं बी साइड का दिखाता हूँ, जाते हैं अपन बी साइड की तरफ। मैं सबसे इजी स्मोक्स ही बताऊंगा, ज़्यादा टफ स्मोक्स मैं नहीं बताऊंगा। तो अभी अपन यहाँ पे आ गए, तो सबसे पहले अपने को जब बी आता है तो सबसे चीज़ होती है कि एटलीस्ट 30 सेकेंड्स एक बंदा ये मार्क करो, क्योंकि कितनी बार पुश होता है तो अपने को ये मार्क करना ज़रूरी है। और कितनी बार क्या होता है कि दो लोग मिट जाते हैं, एक अंडर पास से आता है, दो ए जाता है, ऐसा कुछ कॉल होता है। तो अंडर पास जब भी जाओ तो एक फ्लैश ऐसा डाल दो और फिर पीक लो, तो जो भी वहाँ रहेगा या तो फुल फ्लैश हो जाएगा या तो उल्टा घूम जाएगा। तुम भागते हुए आओगे, तुम्हें वो उल्टा है ऐसा ही दिखेगा, तो तुम मार सकते हो जो भी रहेगा वो अंदर। एक स्मोक अगर तुम्हें अभी जैसे तुमने पहला वाला वो स्मोक डाला, अब दूसरा स्मोक यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ आओ, इस एज को देखो, थोड़ा राइट में लो कि टकराए ना दीवार से, और डाल दो नॉर्मल। इससे देखो कहाँ स्मोक होता है, ये डीप स्मोक करने के लिए, बी शॉट डीप स्मोक करने के लिए ये स्मोक है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इससे बी शॉट डीप स्मोक हो जाएगा। फिर यही जगह से यहाँ पे आओगे, इधर ही एज से आके, इधर ये जो एज दिख रहा है वो पकड़ो और जंप थ्रो करना है। यही देखो जंप थ्रो है, वो जाके पूरा स्मोक कर देगा, कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। तीसरा स्मोक तुम्हें दिखाता हूँ, ये यहाँ पे खड़े रहना तुम्हें, ये जो दिख रहा है बैरल एंड का, यहाँ पे थोड़ा राइट में एम लेना और सीधा फेंक देना, बहुत इजी स्मोक है। इससे ये तुम यहाँ पे तुम्हारा स्मोक हो जाएगा पूरा,
कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा उतरते हुए। अब कितनी बार होता है लोग बोलते साइड के पीछे भी बंदा है तो क्या करें, तो ये सीधी यहाँ आओ, मिडल पकड़ो, मिडल दिख रहा है, यहाँ आ जाओ और ये थोड़ा ऊपर डाल के फेंक दो बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो पूरा साइड तुम्हें क्लियर मिलेगा ऐसे। फिर अभी जैसे समझो ये स्मोक जो अपन डाले, यहाँ से अपन खड़े होके जो स्मोक डाले यहाँ पे, जो इधर मैंने तुमको बोला तार से डालना है, अपने को समझो यहाँ अपन एक स्मोक डाले और एक स्मोक अपने को यहाँ डालना है। ये देखो ये दो स्मोक्स का कॉम्बो है, ये दोनों फोर स्मोक हो गए, तुम्हारा ये स्मोक हो गया, तुमने ये स्मोक डाल दिया, तुमने वो स्मोक डाल दिया, साइड तुम्हारा। अभी बताता हूँ रश कैसे करना है, ये भी तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें इजी पड़ेगा। अभी जैसे समझो एक बंदे के हाथ में स्मोक होना चाहिए क्योंकि मॉली तो वो भी डालेंगे, तो पहला फ्लैश ये सब स्मोक तीन डाल दिया, भागते भागते पहला फ्लैश एक बंदा यहाँ डालेगा और दूसरा फ्लैश यहाँ, और जो सबसे आगे बंदे रहेंगे उन्हें कूदना, एक यहाँ कूदेगा और इस तरफ देखेगा, और प्रीवी दो जो तुम्हें लगता है बंदे हैं वो हैं, और एक बंदा भागते भागते जो पीछे वो यहाँ मॉली कर दे। तो बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा साइड घुसने का रास्ता, यहाँ पे मॉली कर दिया। अब ये तो चलो बी साइड एग्जीक्यूशन है, ऊपर से भी फ्लैश डाल सकते हैं जो लोग पीछे से ऊपर से फ्लैश डालते हैं। अब मैं बताता हूँ बी होल्ड कैसे करना है एज ए सीपी। देखो ये एक पोजीशन है, यहाँ आता हूँ मैं, ये मेरी फेवरेट पोजीशन है, यहाँ से मैंने एज भी बहुत सारे लिए हैं, ये वो सब लिया है। ऐसे खड़े रहो, अनएक्सपेक्टेड है, कोई तुम्हें देख नहीं सकता, लोग यूजुअली या तो कार देखते हैं या तो इतना एंगल देखते हैं, लेकिन ये अपन नहीं दिखते, वो लोग इतना दिखते उनको लगता है क्लियर है, फिर वो लोग भागते हुए आते हैं इस तरफ देखते हो, तो तुम यहाँ से स्प्रे डाउन करके ले सकते हो उनको, बहुत ईजी है। या तो तुम यहाँ खेल सकते हो, ये एजेस जितना हो सके कवर में खेलो एजेस, यहाँ पे एक अगर समझो तुमको एक किल मिल जाता है फिर यहाँ से एक किल लेने का ट्राई करो, लोग यहाँ खेलते हैं यहाँ, ये भी अच्छी पोजी है अगर तुम्हारा टीममेट अच्छा है। फिर अगर तुम्हारे पास ऑग या ऐसी कोई स्कोप वाली गन है तो तुम यहाँ चढ़ के ये भी खेल सकते हो, ये जो पोजीशन है ये खेल सकते हो, यहाँ पे ऑग लेके मार सकते हो, डैमेज देके लाल करके भेज सकते हो, और बाकी भी लोग खेलते हैं ये सब, ये सारी भी पोजीशंस हैं ये सब, मतलब जितना हो सके ओपन मत रहो, नंगा मत घूमो, बेसिकली वही बोल रहा हूँ। और ये जितने भी स्टैट्स मैं बता रहा हूँ ना ये सब मेरे बनाए हुए हैं, ये यूजुअली मतलब मैं ऐसे ही खेलता हूँ, ये मेरा प्ले स्टाइल है। अभी कितनी बार कैसा सीन होता है, अपन सोचते हैं कि बी प्लांट हो गया, अब अपन अंदर कैसे घुसे, तो कितनी बार होता है बंदा इधर बेंच पर खड़े होकर यहाँ देख रहा होता है, तो अपने को क्या करने का है, अपन ना कितनी बार रश होता है अपन को ये करना है अपने को ऐसे, अगर उसको पीक ले रहे तो पहले ऐसे ले लो, तो वो बंदा दिखेगा तो मार दोगे उसको, अनएक्सपेक्टेड रहेगा कि बंदा ऊपर से कैसे करता है। चलो ये तो बी साइड का हो गया। फिर देखो तुम लोग यहाँ से भी, यहाँ पे भी दो बूस्ट है, एक ऐसे यहाँ पे है और करना भी इस साइड। तुम तीन चीज़ की तरह बोल कर सकते हो, एक तो पहले तुम यहाँ से ऑप लेके देख सकते हो या एक ही लेके तुम्हारे एम पे, वो बैलेंस देखने के लिए, एक यहाँ पे नहीं और एक यहाँ पे स्टेयर ऊपर देख सकते हो। तो ये तीन जो पोजीशन है वो बहुत इजी पोजीशन है जो तुम्हें देखनी चाहिए अगर तुम बैलेंस देख रहे हो। मॉली स्मोक तुम भी डालोगे सीधी बात है। अब लोगों का गलत फैमिली क्या होती है, लोग दोनों इधर आ जाते हैं, एक इधर से खेलता है अंदर से खेलता है, तो मेरी अगर मानो तो इधर से खेलो, इधर से ये भी दिखता है और ये भी दिखता है, दोनों देख सकते हो तुम, और बहुत मतलब ये ज़्यादा सेफ है। तुम यहाँ पे किल लोगे फिर तुम्हारे पास टाइम मिलता है, लेकिन तुम्हें कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है कनेक्टर वाले के लिए टीम के साथ। अभी लोग यहाँ से भी खेलते, ये भी अच्छी पोजीशन है, लेकिन जब बड़े लेवल पे खेलोगे तो यहाँ मॉली वॉली आता तो वो स्पेस नहीं मिलती खेलने को, तो फिर इधर स्मोक करके जो भी करना है यहाँ कर सकते हो तुम, जैसा करना है इधर खड़े रह सकते हो, आगे खड़े रह सकते हो, वो सब तो बेसिक है। तो अभी अपन ने एक एक का देखा, अभी अपन ऑप का देखते हैं। चलो अभी ऑप का देखना है, ऑप अपन मिड स्मोक अगर डालते हैं
तो अपन ऑफ पीक ले सकते हैं। कभी भी मिड आओ तो डायरेक्ट पहले पीक मत लो, पहले यहाँ तक स्कोप करके 20 सेकंड तो रुको, यहाँ या यहाँ 20 सेकंड रुको, 10 सेकंड रुको, पता चलो इन्फो आन लो, डायरेक्ट मत पीक लो, ऐसे नूगड़ों की तरह ये पीक मत लो। उससे क्या होगा, 20 सेकंड जब वो ऑपर वेट करेगा वो डिस्ट्रैक्ट होगा तो चांसेस ऐसे कि वो घूम जाए पलट जाए। तो ये तो मिड ऑपिंग हो गई। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ से बी शॉट से क्या क्या कर सकते हैं। बी शॉट से सबसे सेफ पोजीशन है ये ऑपिंग करना, इससे तुम इधर वाले को भी मार सकते हो और उधर वाले को भी मार सकते हो। अभी समझो यहाँ कोई नहीं दिख रहा ना, तो स्कोप वॉक ही करो और यहाँ देखो, क्योंकि आज अभी बूस्ट यहाँ आ चुका है तो यहाँ पर बंदे खड़े होकर बी शॉट देखते हैं, तो वो देख सकते हो। और इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा मिड पे बंदा है कंट्रोल ले रहा है तो तुम यहाँ से ऑपिंग कर सकते हो। अगर स्मोक नहीं हुआ तो तुम्हें यहाँ पे 3-4 किल आराम से, मतलब तुम गेम निकाल पूरा यहाँ से ऑपिंग करके कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ ये होती है, जैसे मिड पे कोई आवाज़ नहीं है, तुम्हारा मिड ऑपर देख रहा है, तुम बी शॉट पे हो, तो फट से एक काम करो, यहाँ चढ़ जाओ और ऐसे कॉर्नर में खड़े हो जाओ। एके हो या कोई भी करो, तुम यहाँ पे कॉर्नर में खड़े होकर खेल सकते हो। तो इससे क्या, तुम्हें एक उसको अंदाज़ा नहीं होगा और तुम उसको मार सकते हो। अब अगर बी साइड ऑपिंग करनी है तो लोग यूजुअली ऐसे कर सकते हैं, जितना हो सके ऑफ एंगल खेलो, ऑपिंग के लिए भी ये सब एंगल्स अच्छे। एक किल मिला, पोजीशन चेंज करो, वापस वहीं से दूसरा किल मत लो, फिर यहाँ चढ़ के तुम ऑफ से भी ले सकते हो, जैसे कोई खड़ा है तुम उसका किल ले लोगे। और अगर अभी देख, चलो सीटी साइड से ऑफ पिक लेते हैं। अब सीटी साइड में लोग क्या करते हैं, ऐसे ऑफ पिक लेते हैं, लेकिन ऐसे पिक नहीं लेने का। अगर जैसे तुम्हारा स्पॉन है, तुरंत कूद के इस साइड आने का, ऐसे पिक लेने का। इससे क्या होगा, 90% चांस होगा तुम्हारा मारने का। और अगर समझो 10-15 सेकंड तक कोई नहीं आया तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। और कभी भी इधर पिक लो तो थोड़ा राइट में खड़े रहो, कि तुम मिस करो तो तुम्हारे भागने में बचने का चांस हो। फिर जो मैं ये पोजीशन बता रहा था, ये रही ऑफ की पोजीशन, यहाँ से तुम ऑपिंग कर सकते हो। यहाँ से स्टेयर से मोस्टली ट्राई करो अवॉइड करने को, स्टेयर से ऑपिंग मत करो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। और अगर स्टेयर ले ही रहे हो तो इधर वाले को ट्राई करो। अब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, लोग ना यहाँ आके हकते हैं। अब यहाँ के ऑपर जाते हैं, या तो यहाँ बैठ जाते हैं, अगर वो एक ले के ले लिए वरना मिस होता है, और फिर यहाँ से अटक के हुए थोड़ा टाइम लगता है बाहर आने में, तो तब तक मार देता है, या तो यहाँ करता हूँ। मैं बोलता हूँ इस कॉर्नर पे आके करो ऐसे, तो तुम एक किल लोगे ना, तुम्हें टाइम मिलेगा नीचे उतरने का या दूसरे किल तक ऑप चलाने का। तुम एक किल लोगे क्योंकि बंदा यहाँ चेक करेगा, तुम दिखोगे नहीं, बंदा आगे आएगा तब तुम दिखोगे, तो उसके लिए सरप्राइज मदरफकर हो जाएगा। तो तुम यहाँ पिक ले सकते हो, फिर स्मोक वोक तब तक गिरेंगे यहाँ पे। अगर इनके स्मोक भी हो गया तो भी तुम्हारा विजन नहीं जाने वाला है, समझे, तुम्हारा विजन रहेगा ही। और फिर फट से तुम यहाँ कूद के आ सकते हो और यहाँ स्कोप ले सकते हो, यहाँ स्कोप ले सकते हो। यही सेम चीज़ तुम टी के लिए भी कर सकते हो, फट से आए, जैसे ही तुम्हारा स्पॉन हो ऊपर से एक बंदा फ्लैश डाले, तुम आके यहाँ पिक ले लो, तो कोई तुमको जंपिंग करते हुए दिखेगा। और यूजुअली हमेशा ट्राई करो कि पहले अगर सामने ऑपर है तो उसका मिस करो। और जैसे अभी कितनी बार अपन पहले आते हैं, अपन छूते की तरह पहली बार में स्कोप लेके आते हैं, पहले ऐसे हो, ऐसे भागो या जंप करके जाओ, देखो ऑपर है कि नहीं, इन्फो लो, ऑपर है वो मिस किया तो तुम स्कोप लगाओ, समझे। फिर ये भी स्मोक होता है एक, ये कभी कभार मैं यूज़ करता हूँ यहाँ आने के लिए, ये होता है बहुत ही स्नीकी स्मोक है ये, इतना सा पिक लेने के लिए स्टेयर वाले को, जिसे तुम्हें सीटी वाला ना मार पाए। फिर ये भी लोग लेते, जैसे कभी कभार अगर तुम्हारा बंदा मिड से एंगेज कर रहा है और तुम पैलेस देख रहे हो, पट से एक सेकेंड आओ, ये स्कोप लो और देख लो बंदा, इन्फो ले लो बंदा है कि नहीं है। तो बेसिकली यही गाइड है मेरी, और मतलब अभी मिराज के लिए मेरे पास यही गाइड है, ये मेरा प्ले स्टाइल है, मैंने जो मैंने इतने 7-8 साल के एक्सपीरियंस से जो मेरा प्ले स्टाइल बनाया मिराज में, ये वो प्ले स्टाइल है जो तुम उम्मीद करता हो कि तुम्हें मदद करेगा ये प्ले स्टाइल। ये भी एक पोजीशन है, देखो कितनी बार अंडर पास से बंदे आते हैं यहाँ स्कोप कर लेने का, क्योंकि हर बंदा पहले इधर चढ़ के देखता ही है, फिर अभी नया बूस्ट आ गया तो उसके हिसाब से तुम देख सकते हो, लोग ये भी करते हैं। ये एक सेल्फ बूस्ट आ चुका है जो थोड़ा स्मूथनेस ये कंट्रोल और इसके हाथ में। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, सिर्फ स्पेस से जंप मत रखो, बाइंड रखो, स्क्रोल अप या स्क्रोल डाउन जो जमता हो तुम्हें, क्योंकि तभी तुम बनी या फिर वैसे जंप्स कर पाओगे।
तो बस भाई मेरा आज के लिए तो बस इतना ही। ये सब बेसिक स्मोक्स है जो मैंने तुम्हें दिखाया, ये सब एग्जीक्यूशन और बाकी चीज़ों के लिए काम आता है। अगर इन केस मैंने कुछ मिस कर दिया तो तुम लोग मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैंने क्या मिस किया, और मैं अगले वीडियो में भी उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर ये ऐसे इन्फो वीडियोज़ तुम्हें पसंद आते हैं तो तुम इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और मुझे बता सकते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ किसी और मैप पे यूजुअली। और एक चीज़ और आखिरी चीज़ क्लियर करता हूँ, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार बाय करे तो करे क्या। तो मेरे मानो तो पहले राउंड जब तुम बाय कर रहे हो तो पहले राउंड तुम बाय करो पिस्तल आर्मर, अगर तुम्हारा एम अच्छा है, तुम एम पे भरोसा है तो 3-4 लो आर्मर बाय करो, एक बंदा यूटिलिटीज़ बाय करो। सेकेंड राउंड अगर तुम जीतते हो पहला राउंड तो ये करो SMG आर्मर करो, AK मत लो। यूजुअली लोग AK उठा लेते लो रैंकर्स, तो AK मत लो, SMG आर्मर करो कि कल को तुम मर भी गए तो ट्रेड होने के लिए SMG ही हो सामने, तो फाइट इक्वल हो। थर्ड में तुम AK बाय कर सकते हो और आप एक ऑप सेटअप लगा सकते हो या तुम्हारे ऊपर जैसा तुम्हारा स्ट्रैटेजिक गेम है। और वैसे ही अगर पहला राउंड हार जाते हो तो सेकेंड राउंड फुल ईगो करो, थर्ड राउंड M4 आर्मर लेके तुम गेम कर सकते हो। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट जरूर करना। गुड नाइट, टेक केयर, पीस आउट।